मैं तुम लोगों को रिवीजन के तौर पर हमारी राष्ट्रीय प्रतीक, हमारे राष्ट्रीय प्रतीक, हमारे देश के राष्ट्रीय प्रतीक कुछ चिन्ह बनाए गए हैं, जो कि उसमें सबसे पहला है तिरंगा झंडा, दूसरा कमल, तीसरा बाण और चौथा मोर। ये सभी जो है हमारे राष्ट्रीय चिन्ह हैं, इसे बनाए गए हैं। तो उसमें तुम लोगों के बुक में जैसा कि पेज नंबर 66 में बताया गया है, हमारी राष्ट्रीय प्रतीक, हमारे राष्ट्रीय प्रतीक क्या है, तो इसमें टीचर अपने बच्चों के साथ वह बातें करके और उसे सभी जानकारियां दे रही है। सबसे पहले बच्चे अपने दीदी को कहती है, अपने शिक्षक टीचर को कहती है, वे बच्चे लोग कहते हैं कि दीदी कल आपने जो गीत सुनाया था वह मुझे बहुत ही अच्छा लगा, और भी उस तरह की कुछ जानकारियां आप दे। तो दीदी उन्हें उन बच्चों को बताते हुए कहती है कि तुम लोगों को पता है कि हमारा राष्ट्रीय झंडा क्या है, हमारा राष्ट्रीय प्रतीक जो है सबसे पहला हमारा है झंडा, इस झंडे को हम लोग तिरंगा झंडा कहते हैं। और वह आगे बताते हुए कहती है कि हमारे तिरंगा झंडा में तीन रंग होता है, एक ऊपर केसरिया, दूसरा सफेद और तीसरा हरा, और सफेद पट्टी पर इन तीनों रंगों के बीच में सफेद पट्टी पर यह जो है यह चक्र बनाया होता है। तो इस तरह से हमारा झंडा जो है वह हमारे राष्ट्रीय एकता का प्रतीक है। इस झंडे के द्वारा हमें अपने देश के लिए, अपने देश का नाम ऊंचा करने का तिरंगा झंडा में जो है वो उसके सहारे पर बताया गया है। दूसरा, अब हम लोग आगे बढ़ते हुए उसकी दीदी बताती है कि तुम लोग जानते हो हमारा राष्ट्रीय फूल कौन सा है, तो बच्चों बच्चे और भी खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि दीदी उसके बारे में भी बताओ। तो कब वह दीदी जो है वह बताती है कि हमारा राष्ट्रीय फूल जो है वह कमल है, यह कमल अनेकों रंगों में पाया जाता है और यह सरोवर में, तालाब में मिलता है, जहां पर अनेक रंग के होते हैं। यह गुलाबी रंग, पीला रंग, लाल, यह सभी सभी रंगों का यह कमल जो है कमल फूल होता है। उसी तरह से आगे बढ़ते हुए अब वह बताती है कि हमारा राष्ट्रीय पशु कौन सा है, तो हमारा राष्ट्रीय पशु जो है वह बाघ बताती है। हमारा राष्ट्रीय पशु क्या है, बाघ है, जो कि बहुत ही एक बिल्ली जाति का ही है, बिल्ली की तरह ही देखने में लगता है, लेकिन यह बहुत ही खूंखार जानवर होता है और बहुत ही फुर्तीला जानवर होता है। तो बाघ के बारे में वह बताते हुए आगे बढ़ती है, अब हम लोगों का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है, तो राष्ट्रीय पक्षी बताते हुए वह कहते हैं कि हम मोर जो है जब बादल घूमते हैं या बादल छा जाता है, आकाश में बादल छा जाता है और मोर इधर से उधर पंख फैलाकर वह जो है अपने मग्न होकर वह नाचने लगती है। जब वर्षा का मौसम होता है, बरसात का मौसम होता है और घने बादल छा जाते हैं, तो मोर जो है अपना वह अपने मस्त मौले होकर वह नाचने लगती है। तो यह मोर जो है यह देखने में भी बहुत ही सुंदर पक्षी होता है। तो इस तरह से दीदी और बच्चे के द्वारा ये बातें की गई है और इसमें जानकारी है तिरंगे झंडे के बारे में और कमल तिरंगा झंडा हमारा राष्ट्रीय प्रतीक तिरंगा झंडा और कमल हमारा राष्ट्रीय फूल और हमारा राष्ट्रीय पशु बाघ और राष्ट्रीय मोर राष्ट्रीय पक्षी जो है वह मोर के बारे में बताया गया है। तो इसमें तुम लोगों को प्रश्न उत्तर दिया गया है, वो सभी एग्जाम के लिए पढ़ना है। इसके पहले का एक और लेसन है, वह जो है उसमें सभी प्रश्न उत्तर, क्वेश्चन आंसर सभी जो है जितना भी है बस दो ही लेसन दिया गया, इसलिए उसका सभी याद करोगी। तो आज के लिए इतना ही, बेस्ट ऑफ लक ऑल ऑफ यू, थैंक यू।